भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज विधानसभा क्षेत्र चंपावत कनकपुर में उपस्थित इस सभा में आपके इस शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आप सबके प्रिय जो लगातार आप सबकी मांगों को लेकर चाहे देहरादून विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर हो लगातार आप लोगों के लिए संघर्ष करने वाले आप सबके जुझारू और लोकप्रिय विधायक आदरणीय कैलाश गहलोत जी, अभी आपने बहुत कम शब्दों में जिन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया, हमारे अत्यंत ही लोकप्रिय बहुत ही सहज सरल इस क्षेत्र के बहुत लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय टमटा जी, जो पूर्व भारत सरकार के मंत्री भी रहे हैं, हमारे बगल की विधानसभा कार्यकर्ता के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई जीतन पाठक जी, बहन किरण देवी जी, दीपक चंद्र रजवा जी, श्याम देव जी, नितिन कुमार वर्मा जी, रामदास जोशी जी, सुभाष सपलियाल जी, शंकर पांडे जी, नरेंद्र अग्रवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता अनिल शिवराज जी, हेमा जोशी जी, हमारी बहन जी सुभाष पटोरी जी, नरेश सराय जी, पूरन मेहरा जी, संदीप पाठक जी, गोमा सिंह जी, कैलाश अधिकारी जी, महेश पगरिया जी मंडल अध्यक्ष, मोहित पाठक जी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष, बचन सिंह अधिकारी जी किसान मोर्चा अध्यक्ष, मदन कुमार जी अनुसूचित मोर्चा अध्यक्ष, मुनीर खान जी जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा, दिनेश प्रजापति जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, रोहतास अग्रवाल जी हमारे वरिष्ठ नेता, आदरणीय निर्मला अधिकारी जी, श्रीमती रेणु अग्रवाल जी, हमारे सभी उपस्थित यहाँ पर सभी पदाधिकारीगण, अब मैं क्योंकि नाम के औपचारिकता में न जाते हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधु, आप लोग काफी देर से यहाँ पर बैठे हैं, हम लोगों को आने में काफी विलंब हो गया, रास्ते रास्ते में बहुत सारी जगह पर बहुत सारे कार्यक्रम सभी के द्वारा रखे गए थे और लेकिन जितनी गर्मजोशी से, जितने जोश से, जितने उत्साह से आपने मेरा और मेरे साथ सभी का अभिनंदन किया है, स्वागत किया है, मैं भी हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ, आप सबको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए बहुत सारी बातें, अभी 4 जुलाई 2021 को मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना, आज मैं माँ पूर्णगिरी की धरती पर आया और इस माँ पूर्णगिरी की धरती से मेरा बचपन से ही जब से मैंने होश संभाला तब से मेरा गहरा जुड़ाव रहा है, क्योंकि पहले के समय में जब हम यहाँ से पिथौरा में जाते थे, गांव जाते थे, तो खटीमा में बस नहीं उठती थी और हम रात को यहाँ आते थे और रात का जो तरक्की का हमारा रोडवेज का स्टेशन है उसी रोडवेज के स्टेशन में रात को आकर रुक जाते थे और सवेरे सवेरे यहाँ से 4 बजे 5 बजे जो पहली गाड़ी जाती थी उस गाड़ी से सफर करते थे और माँ पूर्णगिरी की भूमि से चुकी मैं खटीमा में पला हुआ, पिछड़ा नगर में पैदा हुआ और ये जो शारदा जी जा रही है हमारे यहाँ से आगे, माँ शारदा का जो यहाँ से हमारे बीच से निकलती है, तो मैं और अजय भाई हमारे हमारे सांसद डॉक्टर हैं और हम धारपुरा आपदा का त्रिकोण है, मैं और माननीय सांसद अजय भाई हमारे अजय कर्ता जी अजय भाई को काम को हमेशा, तो अजय भाई और मैं कल धारपुरा गए थे और धारपुरा से भी आगे
रहे थे तो दौड़ते समय हमारे हवाई जहाज के पायलट ने कहा कि साहब इसका मौसम बहुत खराब हो रहा है और हमको ये जो हेलीकॉप्टर है उसको इस नदी के किनारे किनारे जाना पड़ेगा। तो मेरे मुंह से निकला कि ये जो नदी की बात कर रहे हैं ये वही नदी है जिस नदी के किनारे बचपन से खेलते कूदते नहाते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ। ये हमारी सादा नदी जो यहाँ से निकलते हैं और जो मेरा गाँव है खड़ीमा वाला वो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि सादा जी और मेरे घर के बीच में 10 मीटर का भी अंतर नहीं, सबने देखा है 10 मीटर का अंतर है। इसलिए भूमि से अत्यधिक मेरा भावनात्मक लगाव रहा है मैं आप सब लोगों के बीच में, क्योंकि आज मुझे मुख्य सेवक के रूप में जिम्मेदारी मिली है। 2-4 जुलाई को जब से मैंने कार्यभार ग्रहण किया है हमने कोशिश की है 2-3 चीजों को हमने फोकस किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे माननीय विधायक जी बार बार मुझसे कहते हैं कि घोषणा कर दीजिए वो घोषणा कर दीजिए, क्योंकि इनकी भी मजबूरी है घोषणा करवानी है और घोषणा होगी तो थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। लेकिन मैंने तय किया है हमारी सरकार जो भी घोषणा करेगी कोई भी घोषणा करेगी अगर मुख्यमंत्री के मुंह से कोई शब्द निकल गए वो घोषणा में सम्मिलित हो गए तो उसका शासनादेश निकलेगा, उसका शासनादेश निकलेगा और जो काम हम शुरू करेंगे उस काम को हम पूरा करेंगे। यानी कि जो हम शिलान्यास इस काम का करेंगे उसका हम लोकार्पण करेंगे, यानी कि जो काम हमारा शुरू होगा वो काम पूरा होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरा मन भी है कि मैं बहुत सारी घोषणाएं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ ये हमारा खंडवा का क्षेत्र, ये हमारा टनकपुर का क्षेत्र, ये बटपतरा का क्षेत्र, चंपावत का क्षेत्र, लोहाघाट पुनौरा का क्षेत्र, ये पूरे बचपन से इन सैकड़ों हजारों बार में आया हूँ, गया हूँ, खेला हूँ, पीता हूँ। मुझे लगता है कि ये पूरा हमारा बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र यहाँ से लेकर धारपुरा तक का क्षेत्र पूरा क्षेत्र विकास की ओर है सबसे आगे हमारे। शासन के पास जा रही है तो उनका सरलीकरण के काम
का समाधान होना चाहिए और जब सरलीकरण हो जाएगा समाधान हो जाएगा तो तीसरे नंबर पर उसका निकाल होना चाहिए, यानी कि निकाल उसका काम के रिजल्ट के रूप में होना चाहिए, परिणाम के रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ के जिलाधिकारी भी यहाँ पर आए होंगे, पुलिस के कप्तान भी यहाँ आए होंगे, अभी हमारे कमिश्नर साहब यहाँ आए हुए तो अभी अपने कल भी कहा है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहां पर मैं सबसे बात कर रहा हूँ, मैंने कहा है कि अगर पटवारी साहब का कोई काम है तो काम तहसीलदार के पास नहीं आना चाहिए, और तहसीलदार का कोई काम है तो जिलाधिकारी के पास नहीं आना चाहिए, और अगर जिलाधिकारी के स्तर पर कोई काम या जिले के स्तर पर जो काम जो हमारे जिनका हल निकाला जा सकता है, जिनका निस्तारण किया जा सकता है, जिनका समाधान किया जा सकता है, अगर वो काम शासन के पास आ रहे हैं, देहरादून तक पहुंच रहे हैं, हमारे मंत्री विधायकों के पास पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सोचना पड़ेगा कि आप इसके उत्तरदायी कौन है। हमने कहा इसके लिए हम उत्तरदायी करेंगे और इस काम के लिए मैंने सभी से कहा और मैं गहलोत जी से भी कह रहा हूँ कि भाई साहब अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसे कोई अधिकारी जिनका काम उन्होंने अपना काम नहीं किया है और अगर वो मेरे संज्ञान में अगर कोई भी घटना ऐसी आ जाएगी तो मैं आपसे कहूंगा कि आपकी इसकी सिफारिश नहीं करेंगे, बिल्कुल सिफारिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक व्यवस्था बनाना चाहते हैं। हमने कहा है हम चीजों का सरलीकरण करना चाहते हैं, हम व्यवस्था के माध्यम से लोगों के द्वार तक जाना चाहते हैं, यानी कि सरकार जनता के द्वार जाएगी, और हमने कहा जो बीच बीच में आप सबके माध्यम से बातें आ रही कि आज अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जनता की सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही है, उसके लिए हमने फिर से कोरोना काल में जो बंद हो गया था तहसील दिवस फिर से लगाने के रोस्टर पूरे प्रदेश के अलग लगाने के निर्देश रखे हैं, और इसके साथ साथ प्रत्येक कार्य दिवस पर 10 बजे से लेकर 2 बजे तक सारे अधिकारी अपने कार्यालयों में रहेंगे, वो जनता की समस्याओं को सुनेंगे और सुनने के बाद उनका समाधान निकालेंगे, उनका निस्तारण करेंगे। ये कुछ व्यवस्थाएं हमने करी है, हमने कोरोना काल में हमने नौजवानों के लिए बेरोजगार भाइयों के लिए हमने कहा था शुरू से कि हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे, रोजगार के साधन निकालेंगे, जो 22,000-24,000 हमारे यहाँ जो पद रिक्त है उन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है और भर्ती प्रक्रिया वहां पर शुरू हो गई है, 15 अगस्त से उसके विज्ञापन निकलने शुरू हो गए हैं। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में सारी की सारी जो सरकारी जो भर्तियां हैं वो पूरी की पूरी भरी जाए, एक भी पद रिक्त न रहे। इसके साथ साथ लाखों लोगों को हम चाहते हैं, हमारे नौजवान भाई, हमारे बेरोजगार भाई, हमारे युवा भाई, वो केवल और केवल रोजगार मांगने वाले न बने, वो रोजगार देने वाले बने। उसके लिए हम स्वरोजगार की योजनाओं लेकर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री नैनो योजना, स्वरोजगार के माध्यम से हम लाखों लोगों को रोजगार से जोड़ने वाले हैं। अभी 1 सितंबर आज से इसी प्रक्रिया की हम शुरू कर रहे हैं आज ही से, और 15 सितंबर तक प्रत्येक जिलों में जो भी हमारे स्वरोजगार करने वाले भाई हैं, जो बाहर से कोरोना काल में यहाँ आए हुए हैं, जो बेरोजगार हैं, वो स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं तो उनको हम एक एक जगह पर उनके लिए उनका पंजीकरण होगा, उनकी जांच होगी, स्क्रूटनी होगी उनके फार्म की, वहीं पर उनके आय प्रमाण पत्र बनने होंगे, उनके जाति प्रमाण पत्र बनने होंगे, निवास प्रमाण पत्र बनने होंगे, या उनका कोई और सर्टिफिकेट बनना होगा, वो सारे के सारे एक स्थान पर बनाए जाएंगे और वहीं पर बैंक के लोग भी होंगे, जो लोग इस व्यवस्था में आना चाहते होंगे उनको हम वहीं पर रोजगार देने की व्यवस्था करेंगे। अभी हमने कोरोना काल में हमारे पर्यटन से जुड़े हुए, हमारे परिवहन व्यवसाय से जुड़े हुए, हमारे सांस्कृतिक दल, इन लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। पर्यटन का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया है, मापुरा के आने वाले भक्तों का जो हम लोग शुरू में आए थे बहुत बड़ी संख्या आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कोरोना की दूसरी लहर आई तो यहाँ पर भी लोगों का आना नगण्य हो गया और यात्रा बंद कर दी गई। अब हम चाहते भी हैं कि यात्रा शुरू हो, लेकिन यात्रा भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, उसके बावजूद हमने कहा कि इस समय सरकार के पास भी सीमित संसाधन है, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू प्राप्ति एक सीमित आय से हो रही है और जब कोई कारोबार बहुत ज्यादा नहीं चल पा रहे हैं तो सरकार की आय नहीं हो रही है, लेकिन हमने कहा फिर भी उसके बाद भी पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग,
हमारे परिवहन उद्योग से जुड़े हुए लोग, हमारे सांस्कृतिक दलों में काम करने वाले, ऑनलाइन के रूप में काम करने वाले, अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले, ऐसे लोगों को हमने जिसमें 1,65,000 लोग पूरे हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर डीबीटी के माध्यम से उनको खातों में सहायता के रूप में हमने राशि देने का प्रावधान किया है। 200 करोड़ का हमने पैकेज दिया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हमने स्वास्थ्य क्षेत्र में जिसमें हमारी आशा बहने कल भी हमारी वहां पर धरना कर रही थी, तो हमने कहा बहनों आप बताइए, आप धरना तो कर रही है लेकिन ये मांग आपकी कितनी पुरानी है जो आप मानने की मांग कर रही है। आप देखिए हमारे पास सभी लोग आ रहे हैं, सबको लग रहा है कि मैं सब कुछ सुनने वाला, सबको जानने वाला, ऐसा उनके बीच का भाई उसको मुख्य सेवकों के रूप में काम करने का अवसर मिला है, तो सभी लोगों की उससे अपेक्षा बढ़ रही है। मैं भी चाहता हूँ सबके काम करूँ, लेकिन मैंने उससे पूछा कि आप लोग कितने साल से मांग कर रहे हैं, तो बोले हमको 15 साल हो गए। और मैंने कहा मुझे बने हुए कितने दिन हुए हैं अभी, मैंने कहा तो 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, आप तो 1 महीने से धरने पर बैठ रहे हो, तो एक तरफ कह रहे हो कि हम तुम्हारी बहन है, तुम हमारे भाई हो, हमारे बीच के हो, हमारी मजबूरी जानते हो, हमारी परेशानी जानते हो। मैंने कहा मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन आप जोर जबरदस्ती मुझसे मत करो, आप आराम से कहो मैं रास्ता निकालूंगा, मैं रास्ता निकालूंगा आपका, जब मैं सबके रास्ता निकाल रहा हूँ। आप देख रहे होंगे देवल सामने की बात कर रहे हैं, उसमें भी रास्ता निकाल रहे हैं, हमसे भू कानून की बात कर रहे हैं, उसमें भी रास्ता निकाल रहे हैं। जो सबसे कड़ा काम है उसको निकालने के लिए उसका सिर्फ हम ही को लाया गया है, उनके साथ हमारे अजय जी है, हमारे हमारी पूरी टीम है, मोदी जी का इतना बड़ा नेतृत्व है, तो वो लोग मांग रहे हैं बात, हम उनके रास्ता निकालेंगे। और कभी देखिए कभी सीपीएड वाले आ रहे हैं, कभी डीएलएड वाले आ रहे हैं, कभी शिक्षा आचार्य आ रहे हैं, कभी शिक्षा मित्र आ रहे हैं, अभी कभी डीसीटी वाले आ रहे हैं, कभी विशिष्ट डीसी वाले आ रहे हैं, कर्मचारी संगठन आ रहे हैं, दिन भर। तो मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ आप सबके माध्यम से, हम सबके लिए रास्ता निकालेंगे। माननीय विधायक जी से भी मैं अनुरोध कर रहा हूँ, विधायक जी आपने बहुत घोषणाएं करने के लिए कहा है, अभी 2022 में आप लोग एक बार पक्का कर दीजिए, उसके बाद हम सबके लिए रास्ता निकालेंगे, ठीक है, सारी घोषणाएं कर दीजिए, सारी चीजें आपके सामने लाएंगे, कोई ऐसा नहीं बचेगा। हमारी आशा बहनों के लिए भी हम करने वाले हैं, हमने देखे उनको उसमें भी पैकेज में भी दिया है, आशा बहनों को हमने टैबलेट दे रहे हैं, 5 महीने तक उनको 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, रक्षाबंधन में भी हमने 1,000 रुपए की धनराशि उनके लिए सहायता हमने कहा है कि रक्षाबंधन में सहायता के रूप में हमने कर दिया। इसी प्रकार से हमने आजीविका मिशन से जुड़ी हुई जो हमारी बहन है उनको भी 119 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, जिसमें हमारे ग्राम संगठन है, स्वयं सहायता समूह है, हमारे कलेक्टर के माध्यम से है, महिला मंगल दल है, युवक मंगल दल है, यानी कि सरकार सबके सरकार के रूप में भी एक साझेदार के रूप में हम काम करते, आपके एक सहयोगी के रूप में काम करते हैं, लेकिन सरकार की भी अपनी मजबूरियां होती है, सरकार की भी अपनी परेशानियां होती है। मैं कोई ऐसा काम नहीं करने वाला हूँ आपसे कि कई बार लोग कहते हैं, कितने बार देखा होगा आपने 2017 से पहले जो सरकार थी, उस सरकार में लोग कहते थे आसमान से थोड़े ताले बोले ले आएंगे दिल में, अगर उनसे आप कहो उनकी मेरी जगह पर वो बोल रहे होंगे अभी, तो वो कहते हैं कि ये टनकपुर को हम दिल्ली बना देंगे, बम्बई बना देंगे और ज्यादा आगे बढ़ा देंगे तो लंदन बना देंगे। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला हूँ, मैं वही कहूंगा जो मैं कर सकता हूँ, मैं आपके बीच में जिस चीज को क्रियान्वित करवा सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे काम हमने नौजवान करे, जैसे समूह भाव की भर्तियां होती थी, समूह भाव की भर्तियों में अब इस साल कोरोना में परीक्षा नहीं हो पाई, पिछले साल परीक्षा नहीं हो पाई, तो हमने कहा हमारे नौजवानों का, हमारे बेरोजगार भाइयों का, हमारी बहनों का, उनका एक साल बर्बाद नहीं होना चाहिए, हमने एक साल आयु सीमा बढ़ाई, समूह भाव में बढ़ाई थी, फिर आप लोग की बीच में से बात आई कि समूह भाव की नहीं बढ़ाई है, तो हमने समूह भाव गांव में बढ़ाया ना, समूह भाव में नहीं बढ़ाया। पहले एनडीए सीडीएस की जो तैयारी करते थे, जब भर्ती हो जाते थे एनडीए सीडीएस में, वो जब भर्ती हो जाते थे उसके बाद सरकार की तरफ से उनको कुछ सहायता राशि दी जाती है, एक दिन में पूरा था उसको दी जाती है। तो मैंने कहा कि भाई ये हम कैबिनेट करके पहले वो दोबारा से हमारे इसमें आया, तो मैंने कहा ये सहायता राशि कब दी जाती है, उन्होंने कहा ये सहायता राशि कब दी जाती है जब कोई कॉलेज में भर्ती हो जाता है, कि वो लेफ्ट काफ है तो सेकेंड लेफ्टिनेंट होता था, अब सीधे लेफ्टिनेंट बनते हैं, तो लेफ्टिनेंट बनने की प्रक्रिया में जब आगे आ रहे हैं, अगर कॉलेज में भर्ती हो गया तो फिर उसको पैसे की क्या जरूरत पड़ती है, फिर तो बहुत का आदमी हो गया, फिर तो सारा काम उसके लिए फौज करेगी। तो हमने कहा नहीं, जो पहले इसकी तैयारी करते हैं, जो प्री एग्जाम पास कर लेंगे उनको
50,000 रुपए की सहायता राशि है। इसी प्रकार से जो हमारी लोक सेवा आयोग की परीक्षा आने वाली परीक्षा है, ये सिविल सर्विसेज की परीक्षा है, उसमें भी जो प्री एग्जाम निकाल लेंगे, जो हमारे गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप इतना पैसा उनके लिए नहीं दे सकते कि वो तैयारी करें, उनके लिए भी हमने अनलिमिटेड यानी 50,000 रुपए की व्यवस्था कर दी है। उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं बात है। ऐसे बहुत सारे कामों को हम बढ़ा रहे हैं अन्य क्षेत्रों में। हमारा मानना है कि आने वाले समय में ये हमारा क्षेत्र, ये कनकपुर का क्षेत्र, ये बनपदा का क्षेत्र, ये हमारा चंपावत का क्षेत्र, ये पूरा सीमांत क्षेत्र, ये हमारे लक्ष्य में नंबर एक का क्षेत्र बनना चाहिए। हर प्रकार से माप बनाएंगे कि ये भूमि है, इस भूमि में अपार संभावना है और माँ पुरानी का आशीर्वाद है, माँ शारदा मैया का आशीर्वाद है, बाबा भैरवपुरा का आशीर्वाद है, उधर से गुरजू महाराज का आशीर्वाद है, सारे आशीर्वाद हमारे पास है। तो निश्चित रूप से ये भूमि हमारी नंबर एक की भूमि बननी चाहिए। मैं आपके अवसर पर क्योंकि बोलने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। अभी जब से मोदी जी की सरकार के लिए बनी है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से काम करना शुरू किया है, तो एक के बाद आप देख रहे हैं कनकपुर से ये रोड जा रही है आपके आगे किया जाएगा और
किसी भी प्रधान को 10,000 रुपए आकस्मिक निधि प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। 500 पंचायत घरों के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपए की धनराशि अनुमत की जाएगी। 500 पंचायत घरों के सम्पूर्णीकरण कार्य हेतु 2 करोड़ की धनराशि अनुमत की जाएगी। और प्रधानों ने भी जगह जगह पर जो लोग बाहर से आए कोरोना काल में उनके लिए कोरोना सेंटर बनाने का काम किया, आइसोलेशन के कमरे बनाने का काम किया। उस दौरान उन्होंने बहुत डिप्टी परिस्थितियों में काम किया, इन निश्चित परिस्थितियों में उन्होंने योगदान दिया है। उन सभी को हम सरकार की तरफ से कोरोना वायरस घोषित करेंगे और उनको सम्मान प्रदान करेंगे। इसके तौर पर माननीय विधायक ने कहा है कि क्षेत्र में पंचमुखी गौशाला धाम इसको बनाने की बात की है, इसको स्थायी रूप दिया जाएगा और जो भी सरकारी गैर सरकारी माध्यम होंगे उनके माध्यम से इसके निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। आप सभी का धन्यवाद करते हैं।